अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। विलक्षण, ये विलक्षण क्या होता है विदुषी, तुम्हें पता है विलक्षण का अर्थ? अरे तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो, मैं भी तो कुछ काम कर रही हूँ। सौम्या, पाठ के पीछे देख लो, होगा अर्थ। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या? अगर पाठ के पीछे दिया होता तो मैं पूछती क्यों? विलक्षण का मतलब अद्भुत, विलक्षण का मतलब अद्भुत। सब लोग कान खोल कर सुन लो, इसका अर्थ तो मुझे मालूम था। अरे अरे चिल्ला क्यों रही हो, अच्छा बताओ अद्भुत का अर्थ क्या होता है? तुम भी तो चिल्ला रहे हो, तुम कौन से धीरे से बोल रहे हो? अच्छा चलो हम लोग नहीं लड़ते हैं, इस समस्या का हल निकालने के लिए ढूंढते हैं। अरे चलो दीदी के पास चलते हैं, उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं, उनके पास हिंदी का शब्दकोश भी होगा। हाँ, उनसे शब्दकोश ले लेते हैं। हाँ चलो। हाँ चल चल लेते हैं। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाई, तुम सब कैसे आना हो? अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई, सबके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया भाई? दीदी आज हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या पूछना चाहती हो बेटा? दीदी आज मैं अपनी हिंदी की पुस्तक से एक पाठ पढ़ रही थी। हाँ? अपराजिता। अच्छा? उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? दीदी क्या आपके पास हिंदी का शब्दकोश है? हाँ हाँ है पार्थ, किधर देखो बेटा, पीछे रखा हुआ है ना अलमारी। हाँ, में दीदी। है? हाँ, मिल गया दीदी, दीदी। अच्छा देखो ये है हिंदी का शब्दकोश, है ना? तो इसमें जो भी कठिन शब्द है जब तुम देखोगी तो उसका अर्थ तुमको इसमें मिल जाएगा। ठीक है दीदी, मुझे दे दीजिए। अरे मुझे भी तो देखना है। अरे बाप रे बाप, छोड़ दो, यहाँ तो स्थिति बड़ी खराब है, एक अनार 100 बीमार। चलो इसका भी एक हल निकालते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना शब्दकोश खुद बनाते हैं। अपना शब्दकोश? वो कैसे दीदी? वो हम बताएंगे तुमको, उससे ये होगा कि तुम सबके पास अलग अलग शब्दकोश होगा। ठीक है? हाँ दीदी। चलो फिर चलते हैं बनाएं शब्दकोश। हाँ दीदी। वहाँ पे हमारे कुछ और साथी बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर चलकर आप समझाएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, वहाँ और भी दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ तो चलो फिर ऐसा करते हैं वहीं चलते हैं, है ना? हाँ, वो लोग भी समझ लेंगे। चलो चलो आइए दीदी। चलो दीदी। अरे वाह, तुम लोग की पढ़ाई चल रही है? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा तो चलो अब शुरुआत करते हैं हम लोग बनाने की अपना शब्दकोश। अब सौम्या तुम जो पाठ पढ़ रही थी जिसमें तुमको कठिन शब्द मिले थे उसको एक बार मुझे पढ़कर सुनाओ। हाँ। अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब यही रुक जाओ सौम्या, तुमने इसको पढ़ा जी, तो इसमें तुमको कुछ कठिन शब्द लगे ऐसे जिसके अर्थ तुमको ना पता हो? जी दीदी, जैसे हाँ? विधाता, विलक्षण, हाँ? स्वयं, हाँ? रिक्तता, हाँ? अंतर्यामी, हाँ? अकस्मात, हाँ? और विच्छिन्न, इनके अर्थ मुझे नहीं पता। इनके अर्थ तुमको नहीं पता, तो अब मैं तुमको बताती हूँ एक काम, किताब तुम मुझे दे दो। और अब तुम ये काम करो कि जितने भी शब्द तुम्हें कठिन लगे हैं उनको ऐसा करो कि एक कागज पे लिख लो। जी दीदी। अच्छा अब साक्षी आगे तुम पढ़ो। उसकी कोटी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते नहीं, से तुमने था। क्या बोला, कोटी बोला कि कोठी बोला? हाँ कोठी। ठीक है हाँ। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा हाँ। तो आश्चर्य से देखती ही रह गई हाँ। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर
सामने रख दी। रुको रुको, तुमको लगा इसमें कोई शब्द ऐसा जो कठिन हो? जी दीदी। हाँ बोलो, कौन सा था? अहाता। हाँ। प्रोणा। हाँ। बस दो शब्द ऐसे थे जो तुमको कठिन लगे हैं, तो तुम भी वही करो जो सौम्या कर रही है। ये शब्द जो है उनको लिख लो। अब नंबर आता है तुम्हारा पार्थ, जितना इसने पढ़ा है ना उसके आगे से तुम पढ़ो। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन 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 बड़ी हाँ तथस्था से उसे स्वयं चलाती कोठी में भीतर चली गई। देखता और आश्चर्य रह जाता। देखता और आश्चर्य रह जाता। आश्चर्य रह जाता? नहीं, वाक्य गलत लग रहा है। आश्चर्य चकित। हाँ, आश्चर्य चकित रह जाता। ठीक। जैसा कोई मशीन बटन खटखटाती अपना जैसा नहीं जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुमको लगा कोई शब्द ऐसा जिसमें कठिन हो? हाँ दीदी। कौन सा है? आवागमन। हाँ, आवागमन। पहले उच्चारण सही करो। बोलो। आश्चर्यचकित। आश्चर्य नहीं, आश्चर्यचकित। खटखटाती। आश्चर्यचकित बोलो पहले। आश्चर्यचकित। ठीक है, अब ऐसा करो तुम भी कि इन शब्दों को लिख लो। अब कार्तिक ऐसा करो, तुम उसके आगे जितना इसने पढ़ा है ना कार्तिक, उसके आगे तुम पढ़ो। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांस पड़े मात्र। नहीं नहीं नहीं, ठीक से पढ़ो। निष्प्राण होगा। निष्प्राण मांस मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिपति आंखों से अदम्य उत्साह पति प्रतिपल प्रतीक्षा भरपूर उत्कट जिगीषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तुमको इसमें कुछ कठिन शब्द मिले? जी दीदी। कौन कौन से हैं? निष्प्राण मांसपिंड उत्कट जिगीषा हाँ? महत्वाकांक्षाएं ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब तुम भी वही करो है ना, शब्दों को एक कागज पर लिख लो। सुबह तुम पढ़ो जरा। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। ठीक है, रुक जाओ, अब सुभी तुम भी लिखो शब्दों को। ठीक है, नोट कर लूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पाठ को पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो भी शब्द हम लोगों को कठिन लगते गए हैं उनको हमने क्या किया है, लिख लिया है। सबसे पहले सौम्या तुमने पढ़ा था, तो तुम्हारे शब्द तो तुमने लिख लिए होंगे, छांट लिए होंगे। लिख लिया। हाँ, तो अगर लिख लिया है तो मुझे अब तुम सारे शब्द पढ़कर सुनाओ। कौन कौन से शब्द है? अपराजिता। अचानक। ठीक है। विधाता। विलक्षण। स्वयं। रिक्तता। अकस्मात। अकारण। विचिन्न। वंचित। नतमस्तक। और शानदार। ठीक है, इन शब्दों को तुमने लिखा है, ये तुम्हें कठिन लगे हैं और इनका अर्थ तुमको नहीं पता है। उसके बाद साक्षी तुमने शब्द इकट्ठे किए, लिख लिया जी। हाँ बोलो बेटा, कौन कौन से शब्द है? साधना। सुखद। व्यर्थ। मेधावी। अपंग। क्या बोला था तुमने? मेधावी। हाँ बोलो। अपंग। हाँ। सर्वोच्च। संचालन। सहिष्णु। अपव्यय। 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 हाँ ठीक है। सहानुभूति। हाँ। तिरस्कार। नीरस। ठीक है, इतने शब्द हो गए तुम्हारे। अब तुम बताओ हमको पार्थ, तुमने क्या लिखा हुआ है? धैर्य। भुजा। धड़।
जिजीविषा, द्वार, कठोरतम, दंड, प्रौढ़ा, आनंद, मुद्रा, अहाता और निर्जी। ठीक है कार्तिक, तुमने लिखा है जी? हाँ, तो तुम भी बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं। दक्षता, तटस्थ, विविध, आश्चर्य, संतुलन, शरण, उत्फुल, निरस्त, प्रतिभा, अवरुद्ध, सुदीर्घ और पक्षाघात। ठीक है, तो अब ये हो गए, तुम लोगों ने भी लिखा होगा। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि इन सारे शब्दों को एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया जो हमको कठिन लगे। अच्छा एक बात है, तुम लोगों ने वर्णमाला तो पढ़ा ही होगा जी दीदी। हैं जी दीदी। अच्छा, वर्णमाला की शुरुआत सुबह कहाँ से होती है? अ से। अ से होती है ना, अ, और फिर उसके बाद बड़ा बड़ा, बड़ा आ, है ना, इस तरह अ आ, फिर छोटाई बड़ी, है ना। हम जब शब्दकोश में जब भी तुम शब्द देखोगी तो हमेशा होता ये, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार हमको शब्दकोश देखना ही नहीं आता, तो आज जब तुम शब्दकोश बनाओगी तो इसका फायदा ये भी होगा कि तुम लोग ये जानोगी कि जब हम किसी शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो किस तरह शब्दकोश को देखें। ठीक है, तो जब सारे शब्द तुम्हारे पास इकट्ठे हो गए तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या बताया तुमने, अ आता है, तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले अ से जो भी शब्द आते हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, और उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उनका अर्थ ढूंढेंगे। उनका अर्थ ढूंढेंगे। तो सौम्या, पहला शब्द जो अ से था वो क्या था? अपराजिता। हाँ, तो शब्दकोश में एक तरफ होता है शब्द और दूसरी तरफ होता है उसका अर्थ। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ उसका अर्थ। पहला शब्द हमने क्या लिया? अपराजिता। ठीक है, अपराजिता का अर्थ अगर तुमको नहीं मालूम है, तुम लोग कार्तिक जी, जी बोलो कार्तिक, जो पराजित ना हो सके। ठीक है, तो हमने एक तरफ तो लिख दिया शब्द अपना जो था अपराजिता और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिख दिया जिसको पराजित ना किया जा सके, है ना, वो हो गया अपराजिता। और अब अ से दूसरा शब्द कौन सा था? अचानक। तुमको अचानक का अर्थ पता है? हाँ दीदी। क्या होता है? एकदम से, एकाएक। शाबाश, है ना, अचानक का अर्थ होता है एकदम से, एकाएक, है ना। तो हमने क्या किया, एक तरफ फिर शब्द लिख दिया और दूसरी तरफ क्या लिख दिया, उसका अर्थ, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिख दिया। फिर एक और शब्द बताओ वहां से, अकारण। अकारण, और अकारण का अर्थ हुआ जिसका कोई कारण ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। फिर अगला शब्द इसी तरह से हमने ले लिया आनंद। तुम बोलो, साक्षी चुप बैठी हो, हाँ बोलो, आनंद। आनंद, अर्थ मालूम है उसका क्या है? प्रसन्नता। हाँ, प्रसन्नता। ठीक है, तो इस तरह से अब तुम लोग ये तो समझ गए ना कि किस तरह से तुमको एक तरफ लिखना है शब्द और एक तरफ लिखना है अर्थ, लेकिन साथ ही साथ उसका क्रम क्या होगा, किस हिसाब से हमको लिखना है। पहले तो हमने ले लिया अ से, फिर अब उसके बाद क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ा आ आएगा, है ना। मतलब वर्णमाला में जिस क्रम से ये आते हैं उसी क्रम से हम शब्दों को लिखेंगे और उनके अर्थ को भी लिखते चलेंगे। लेकिन हाँ भाई, अभी तो मुझे जाना भी है, समय ज्यादा है नहीं, और पाठ तो शायद तुम लोगों ने अभी पूरा पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा है ना। तो एक काम तुम लोग कर लो, मैं तुमको बताती हूँ, ऐसा है कि तुम लोग कल फिर आना। सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि पाठ को पूरा पढ़ना है। ठीक है जी दीदी। और किस लिए पढ़ना है? उसमें से कठिन शब्द निकालने हैं। शाबाश, उसमें से कठिन शब्द निकालने हैं। सारे शब्दों को ढूंढ लो, उसको लिख लो, ठीक है, और उसके बाद तुम उन सारे शब्दों को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। हाँ, कितने बजे आओगे तुम लोग? 11 बजे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल 11 बजे यहीं पर मिलूंगी। ठीक है।
आई, पढ़ लिख कर तकदीर बनाई।